असलम डर लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो हम बात कर रहे थे स्वाट एनालिसिस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं इस वीडियो का एजेंडा यह है कि हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड के बारे में बात करें एक बात याद रखिए आपका बिजनेस कभी भी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर रहा होगा आपका बिजनेस के इर्द गिर्द एक पूरा इको होगा जो इम्पैक्ट कर रहा होगा आपके बिज़नेस को अगर आप सर्कल में देखें तो आपका कोर बिजनेस होगा उसके बाद आपका जो एक्सटेंडेड सर्कल है उसके अंदर आपके सप्लायर्स होते हैं आपके कंपेटर्स होते हैं आपकी मार्केट होती है आपके कस्टमर्स होते हैं या वो तमाम नेटवर्क जो आपको हेल्प कर रहा होता है या एडवर्सली इफेक्ट कर रहा होता है और बड़े एक्सटेंडेड सर्कल में चले जाएं तो आपके पास जो आपके दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो दूसरी कंपनीज काम कर रही हैं टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं अपग्रेडेशन के लिए और किसी ना किसी तरह वो एडवर्सली इफेक्ट कर रही हैं आपको जिसरा मिसाल के तौर पर पहले मैगज़ीन्स छपा करते थे हार्ड फॉर्म में स्लोली एंड ग्रेजुअली अब वेबसाइट्स आ गई वेबसाइट्स के ऊपर ई मैगजीन्स आ गए हैं दोनों इंडस्ट्रीज़ अलग हैं लेकिन बेसिकली देखा जाए तो एक इंडस्ट्री जो पेपर मैगज़ीन छाप छाप रही थी उस इंडस्ट्री को एक दूसरी इंडस्ट्री जिन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेड की है और कंपैटर्स को यह मौका मिला है कि वो अपने मैगज़ीन को वेबसाइट्स के ऊपर ले आएँ सो so, कोई और कंपनी है उसने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई एक कंपैटर ने टेक्नोलॉजी टेक टेक को अडॉप्ट कर लिया और वो एडवर्सली इफेक्ट करना शुरू हो गया आपके बिज़नेस आइडिया को सो इन अ ब्रॉडर वे कि हो सकता है कि इंडस्ट्री आपसे रिलेट ना हो लेकिन बाहर आल आपके बिज़नेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हो और एट लार्ज तो आपके पास एक पूरा पोलिटिकल एंड लीगल सिस्टम है आपका एक पूरा सोशल सिस्टम है आपकी पूरे ओवरऑल एक इकॉनमी है उसके अंदर ओवरऑल एक टेक्नोलॉजी जहाँ पर आप लाइक कर रहे हैं आपके पास आपकी जो है कस्टमर है मार्केट डिमांड्स है मार्केट कितनी है ये तमाम चीजें हैं यानी इन अदर वर्ड्स आपका एक पूरा बिजनेस इको है जो आपके छोटे से बिजनेस को इफेक्ट कर रहा होता है इसीलिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ साथ शॉर्ट एनालिसिस में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स को भी असेस किया जाता है दोनों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं बाय डेफिनेशन स्ट्रेंथ क्या हैं दे आर द पोटेंशियल ऑप्शंस

ऑपरचुनिटीज़ और थ्रेट अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वह कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जिनसे ये अपरचुनिटीज़ या थ्रेट्स आ रही हैं जो ब्रॉडली हैं नंबर वन आपकी इकनॉमिक फोर्सेज नंबर टू आपकी सोशल कलचरल डेमोग्राफिक फोर्सेज नेचुरल इन्वायरमेंट पोलिटिकल एंड गवर्नमेंटल फोर्सेज लीगल फोर्स टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज एंड कंपेटिव फोर्सेज और ये तमाम फोर्सेस बहुत इन डिटेल डिस्कस हो चुकी हैं उन वीडियोस में जिसमें हमने अपॉर्चुनिटी सीकिंग के ऊपर बात की थी इन तमाम फोर्सेस के बारे में आपके पास वैलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ये दुनिया ही सारी की सारी अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रही है सो so इसी लिए आपके पास जितने भी सोर्सेज होंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट uh, से इन्फॉमेशन लेने के उन सोर्सेज का वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करेंट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट अगेन टू दर स्ट्रेंथ और वीकनेस के टूल थे इसी तरह ऑपरचुनिटीज और थ्रेट्स को अस करने के भी टूल्स हैं और आप इन टूल्स को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं अगेन इस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस मिसाल के तौर पर मार्केटिंग इंटेलिजेंस या मार्केट इंटेलिजेंस लार्ज फॉर्म्स तो खैर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं बाय मार्केट इंटेलिजेंस मीन आपको मार्केट के डायनामिक्स यानी मार्केट में क्या हो रहा है बिजनेसेस क्यों फेल हो रहे हैं बिजनेस क्यों ग्रो कर रहे हैं और आने वाला जो वक्त है वो उसमें कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है और उसके कस्टमर के टेस्ट और ट्रेंड्स क्या हैं इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लाइकवाइज स्नैरियो प्लानिंग यानी आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटजीज हो तो आप इन मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपने क्या बिजनेस डिसीजन लेना है कौन सी अपॉर्चुनिटी है और कौन सी थ्रेट है अब तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं सिमुलेशन के स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम्स आ गई हैं कि जिसमें आप अपनी स्ट्रैटेजीज एंटर भी कर सकते हैं और फिर उसके पॉसिबल आउटकम्स भी देख सकते हैं पेस्ट एनालिसिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है पेस्ट एनालिसिस मेन एनालिसिस कीजिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वामेंट का अपने बिज़नेस जो आपका कोर बिजनेस है उसके इर्द गिर्द अपने इको का पोलिटिकल चेंज इकनॉमिक इंडिकेटर्स में कोई चेंज है आपके सोशल चेंज खास तौर पे बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स ऑफर कर रहा होता है और आपके जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रहे होते हैं और सीरियस थ्रेट्स भी ला रहे होते हैं एक और मॉडल है पोर्ट फ़ाइव फोर्सेस मॉडल जिसमें हम अगर आप एक्सटर्नल इन्वामेंट को असैस करना चाह रहे हो तो हम देखते हैं कि मार्केट में कॉम्पटिशन कितना है मार्केट में नए न्यू एंट्रेंट्स की एंट्री कितनी आसान है पावर ऑफ सप्लायर्स क्या है पावर ऑफ़ कस्टमर्स क्या है उनकी यानी बार्गेनिंग पावर क्या है और आपके प्रोडक्ट के कितने पॉसिबल सब्सटिट्यूट्स अवेलेबल हैं ये भी एक बहुत अहम टूल है जब हम कंपटीशन के ऊपर जाएंगे तो पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ये वो छोटे छुट छोटे टूल्स हैं जिन टूल्स से आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपॉरचुनिटी भी ढूंढ सकते हैं और यही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको थ्रेड्स भी ऑफर कर रहा होता है जिसके बारे में आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है सो स्वाट एनालिसिस में जहां हमने कहा था कि आप एक टेबल बना लीजिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसिस की बिल्कुल इसी तरह आप एक टेबल बना लीजिए अपनी ऑपरचुनिटीज़ की और पॉसिबल थ्रेड्स की और इनसे आगा रहें बिकॉज यही आपने आपके बिजनेसेस को बहुत पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर रहे होंगे और बहुत नेगेटिवली भी इफेक्ट कर रहे होंगे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो